everyone. Yeah, this is Shalini Dubey. This is Shreya Dubey. And we are Dubey Sisters. So, हमारे अनाउंसमेंट के बाद हमारी डे वन की वीडियो है ये. हमने कहा था कि हर ऑल्टरनेट डेज पर एक वीडियो आएगी और ये हमारे कोविड प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है. पहली अनाउंसमेंट वाली थी, ये दूसरी है. सो वी आर बैक विथ मोर पावर एंड मोर एनर्जी एंड मोर पॉजिटिविटी. So this video will contain our first day symptoms and what we did on the very first day and what we felt. उससे पहले गाना पता है, बिकॉज हम घर में ही थे. बट फिर भी आई डोंट नो कैसे हुआ, क्योंकि किसी को भी हो जा रहा है. सो मेरी गलती नहीं है. तो फर्स्ट डे मुझे ही हुआ था. फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे लाइक पहले दो दिन तो मुझे कुछ खास नहीं, बस बॉडी एक था, नौजिया थी और बहुत वीकनेस थी. तो मुझे लगा कि भाई मतलब हो सकता है. दो दिन के ही बाद इसको हो गया. इसको हो गया. मुझे मेरे सिम्टम्स ज्यादा कुछ नहीं थे. मुझे मुझे ज्यादा कुछ वैसा हुआ नहीं. मुझे रात को ठंड लगी, मैं सो गई. अच्छा ही लग रहा था, ठंड लग रही थी, पंखा चल रहा था, कंबल लौट रखा था. तो फिर सुबह सुबह ज्यादा बुखार हो गया, मतलब 103 ऐसे बुखार आ गया. अभी हमें पता चला कि लाइक अब मतलब मुझे हुआ, फिर हुआ. तो हमें लगा कि कोरोना है. तो हमें लगा कि और मुझे मतलब मुझे ज्यादा मुझे तो जब फीवर हुआ था तभी लगा था. बाकी नौजिया मुझे एक दिन पहले से हो रहा था, उल्टियां मुझे आ रही थी. और एक चीज जो मेरे साथ बहुत यूनिक हुई, पता नहीं लोगों के साथ हुई कि नहीं, सिर्फ मेरे साथ ये सिम्टम्स हुआ. क्योंकि मुझे जब कोरोना होने वाला था या फिर हो चुका था, तो मुझे मतलब 24 घंटे छींक की टेंडेंसी रहती थी. मुझे लगता था मुझे छींक आएगी. मैं 24 घंटे ऐसे कर. मेरे एक फ्रेंड आए घर पे हमारी हेल्प के लिए, बिकॉज मम्मा पापा हॉस्पिटल में. हाँ, उस दिन बहुत ज्यादा था कि हम दोनों को बुखार था, हम दोनों पड़े हुए थे और घर में मम्मा पापा नहीं थे. और हम भाई साहब जो हालत हो रखी थी, हमने स्टेटस डाला, कैन एनीवन हेल्प अस. और फिर हमें कुछ लोगों ने हेल्प किया और आए, एक भैया आए
वो हमें लेके गए, मतलब उनको पता था कि ऐसे सिम्टम्स है लेकिन वो डरे नहीं, और थैंक्स टू हिम, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। और वो लेके गए, फिर हमें टेस्ट करवाया, हम हॉस्पिटल गए, फिर टेस्ट करवाया, फिर घर आए, और उसके बाद फिर हमारा बुखार उतर गया था। आई थिंक मेरा चार दिन फीवर रहा था, फिर मेरा तो एक ही दिन, मैं तो आके नहा ली हॉस्पिटल से, खत्म फीवर। और उसके बाद अगले दिन मम्मा पापा हॉस्पिटल से आए, एंड सबसे बड़ी टेंशन हमारे लिए ये थी कि मम्मा की एक छोटी सी सर्जरी हो रखी थी, तो हमें उनको इन्फेक्शन से बचाना था, और हम एक रूम में, क्योंकि हम दिल्ली में थे, हम पीजी में थे, तो बहुत डर था कि मम्मा को ना हो जाए क्योंकि वीक है। और फिर इसलिए मम्मा हमारे कुछ नहीं कर रही थी, पापा ही हमारे लिए सब देखभाल कर रहे थे, और इसलिए पापा को हो गया। जिस दिन पापा को बुखार हुआ, बुखार होने के दिन से कंडीशन खराब होना स्टार्ट हुई। कंडीशन इतनी खराब हुई कि वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये थे हमारे पहले कुछ दिनों के सिम्टम्स। एंड हाँ, हमने क्या किया, हमने पैरासिटामोल खाया, हमने डॉक्टर से बात की सबसे पहली बार, जिसको भी हो पहले डॉक्टर से बात करें। हमने कुछ डॉक्टर से बात की, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, होम रेमेडीज की जहाँ तक बात है, जो हमने फर्स्ट डे से हम पहले भी कर रहे थे, और शायद इस वजह से हमारा कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हुआ भगवान की कृपा से, क्योंकि हमने काढ़ा हमेशा ही स्टार्ट रखा, जब से कोरोना आया है पिछले साल से, तब से हमने काढ़ा स्टार्ट रखा था। काढ़े में हम अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन और लौंग और इलायची, ये छह चीजें यूज करते हैं इसको उबाल के, और कम पानी जब हो जाता है तब उसको लेते हैं। और फर्स्ट डे से ही हमने गार्गल स्टीम और काढ़ा तो था ही, काढ़ा था, बस गिलोय, हाँ गिलोय पीते थे, पतंजलि का गिलोय था, वो सारी चीजें हम स्टार्ट करती थी, जिस वजह से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता रहा था। और प्लीज जिनको भी ये थोड़ी बहुत सिम्टम जो आज हमने बताई है, जिनको भी ये सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें जरूर करें, और विटामिन सी जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लें, और खाने पीने का ध्यान बहुत ज्यादा रखें, बिकॉज आप इसमें सिर्फ इसी चीज से लड़ सकते हैं, सिर्फ आपका खाना पीना ही आपको कोरोना से लड़ने में बहुत मदद करेगा। फिर आगे की चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, बिकॉज़ और ये सब होम रेमेडीज करते रहे, क्योंकि होम रेमेडीज सच में काम आती है और हमें बहुत फायदा हुआ है। दवाइयाँ अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, और ये हम हमारी बात बता रहे हैं, हो सकता है कि किसको पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज डॉक्टर से जरूर बात करें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद इलाज ना करें, खुद डॉक्टर ना बने ये हमारे मतलब हमारे लिए फायदा हुआ था, बिकॉज हमारे माइल्ड सिम्टम्स थे, तो हमें माइल्ड और मॉडरेट के इसमें थे, तो हमें फायदा हुआ। सो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जिनको भी ये माइल्ड और ऐसा कुछ लग रहा है तो इस तरीके से कुछ हमसे पूछना है तो कमेंट करें, हाँ कमेंट कर सकते हैं आप, हम इसमें जरूर बताएंगे। सो आगे की वीडियो जरूर देखें, बिकॉज उसके आगे जो हमारी सिचुएशन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुछ लोगों को भी हेल्प हो जाए, अगर एक इंसान को भी हमारी वीडियो से हेल्प हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा काम हो गया। सो होप ये गाना भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। स्टे पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।